शिमला में पानी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर आ गए, नेशनल हाईवे जाम कर दिया। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से उन्हें पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही शिमला में पानी की समस्या एक बार फिर से गहराने लगी है। हालांकि राजधानी में पानी की समस्या पहले से ही थी, लेकिन अब नगर निगम की राशनिंग सिस्टम के बाद पानी के लिए हाहाकार मच गया है। हालात ये हैं कि लोग पीने के पानी के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। बर्तन मारने के लिए पानी नहीं है, किचन में पानी खत्म हो गया, अब कपड़े नहीं धो सक रहे, कुछ नहीं है, पानी का कोई टाइम टेबल भी नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक पानी का वेट ही करते रहते हैं। आजकल चौथे दिन भी नहीं पानी आता है, और इस विषय में हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को सोचना चाहिए कि भाई पानी देना तो उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। पानी की उपलब्धता के लिए प्राकृतिक स्रोत पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जिसकी अपलिफ्टिंग की जिम्मेदारी आईपीएच विभाग की है। लेकिन शिमला नगर निगम का कहना है कि हमारे पास सिर्फ पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी है। और जहां लोग सड़कों पर उतरे थे वो एरिया है जहां पर नगर निगम सप्लाई नहीं करता है पानी, वो सरकार का महकमा है आईपीएच जो सप्लाई करता है। और उसमें वो सच्ची बात भी है, क्योंकि वहाँ कई जगह सातवें आठवें दिन नौवें दिन पानी मिल रहा है। करीब डेढ़ साल पहले अश्वनी खड्ड का पानी दूषित होने के बाद जब हजारों लोग पीलिया का शिकार हुए तो यहां से पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी गई थी, जिसके बाद पानी की राशनिंग शुरू कर दी गई थी। मोहित प्रेम शर्मा, सी मीडिया, शिमला।